1,55,000 जिल्लाको सर्वाधिक मनी प्राइज भएको क्रिकेट टुर्नामेन्ट। हाम्रो टिम हरेक पल्ट सेमी फाइनल अनि क्वार्टर फाइनल हार्ने टिम करिब 4 वर्षपछि फेरि फाइनलमा थियो। फाइनलसम्म पुग्न हामीलाई 20 दिन जति लाग्यो। 20 दिनमध्ये 10 दिन मात्र टुर्नामेन्टमा खेल भयो। दसैँ तिहारको बेला भएकाले होला योपालि हामी सबैसँगै छौँ। सायद हाम्रो टिममा भएका प्लेयरहरूको अन्तिम टुर्नामेन्ट हो जसमा हामी सबैसँगै खेल्दैछौँ। तो भाई क्या हाल है, और अपन लोग आज जा रहे हैं फारा क्रिकेट मैच के लिए। अभी हम पहुँचे हैं एकला ब्रिज। ये ब्रिज जो दिखाई दे रहा है ये नेपाल का सेकंड सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। और ये पीछे का नज़ारा ग्राउंड का। हमारा मैच जो है करीब 1-2 घंटे पहले ही होना था, लेकिन कल रात को मौसम ख़राब थी तो अभी ठीक ठाक हो रखा है। तो भाई लोग कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी टॉस के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई सब इधर मन कर दी ये नहीं है, हम दो निकालेंगे फर्स्ट इनिंग में। अगर अच्छा दो ही ओवर दो ही निकालने हैं सुबह से नहीं भाई का भी रन होगा ना। फिर और बैकअप तुरंत रखना, जैसे ही वहाँ से कोई दोबारा 3-4 दिन में बैकअप हो जाना, तुरंत बैकअप टाइट है। भूल जाओ बिल जल्दी में, पहिलो म्याचमा टस जितेर छाप्रे टिमले ब्याटिङ रोजेको थियो, र जसमा टिमले हाम्रो 26 टिमलाई 10 ओभरमा 66 रनको टार्गेट दिएको थियो। अभी 6 रन का टारगेट था तो चेज कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट मैच कब पड़ता है पता नहीं। और चल रहा की बॉलिंग, नरेश ने अच्छी बॉलिंग कराई, सबने अच्छी की बॉलिंग। यहाँ पीछे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, पीछे इकला का पुल आप लोग देख सकते हो। और आज 3रा दिन है, आज मैच होना था हमारा, लेकिन मौसम की वजह से आज भी मैच कैंसिल हो गया। शायद अब कल को हमारा मैच होगा। तो यह बाहर का सीन बहुत ख़राब है, मैच अब कैंसिल हो ही गया लगभग, अब 1 हफ्ते बाद होगा। और ये हमारे प्लेयर, और ये हमारे बाहर के प्लेयर रहे सभी। तो मैच जो है कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, टूर्नामेंट अब 1 हफ्ते बाद होगा शायद, धूप लगने के बाद। टाइम पास चल रहा था 2-3 दिनों से। जोशी जी क्या हो रहा है? जोशी जी जाए, जोशी नींद में। सब लोग आ जाएंगे शायद दूसरे मैच में, फिर मिलेंगे दोबारा। यो जुन म्याच छ यो टुर्नामेन्टकै सबभन्दा
बेस्ट म्याच भन्नुपर्छ, अरू सबै म्याच चाहिँ वान साइडेड टाइपमा भएका थिए। तर यो ब्लुफिन बडाल फाउन्डेसन हिकिला भर्सेस लुङ्गी बोइज लास्कु बिच भएको एकदम रोमाञ्चक म्याच थियो, जसमा एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए भन्नुपर्छ गौतम धामिल, र अन्तिममा आएर करण डणालले पनि एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए। तो वही बीच में इससे पहले बारिश हुई थी, बारिश की वजह से मैच एक हफ्ता लेट हुआ, और बीच में एक दो मैच खेले हमने तीन, आज हमारा सेमीफाइनल हुआ। अभी सुबह का मैच था सेमीफाइनल का, वो मैच हमने निकाल लिया। तो यह टॉस हो चुका है फाइनल के लिए, हमारी टीम टॉस हार के बैटिंग पहले करेगी। दर्शक भर चुके ग्राउंड में, और थोड़ी देर में मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उसके बाद मैच स्टार्ट होगा। कैमरे मैन बनाए चले लिए गोया गोया ओ बोला 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 बोला
बढ़िया भाई, सही है। कोई नहीं, थोड़ा सही है। थका थी वो 10 ओवर के बाद आ जाएगी। लो बोले यार, गोल। सचिन भैंस का हुआ अंदर। आयो पर आयो। तो अभी जो है फाइनल मैच चल रहा है। मैं सोया, हमने 15 ओवर में 172 का टारगेट दे रखा है और अभी उनके 32 रन पे 6-7 विकेट निकल गए हैं। कुलदेव डांस करना। कुलदेव डांस करना। I'm not done with it.